पोस्टर के बाद रागिनी MMS Returns का टीजर रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर की तरह टीजर भी काफी बोल्ड नजर आ रहा है। करिश्मा शर्मा एक बार फिर टीजर में बिकिनी में नजर आ रही हैं। अगर आप टीजर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें रागिनी MMS सीरीज की झलक भी दिखाई दे रही है। इस टीजर में करिश्मा बिकिनी में दर्शकों के होश उड़ाती नजर आई है। पोस्टर की तरह टीजर को काफी रोचक तरीके से बनाया गया है। इससे साफ है कि फिल्म में हॉरर और बोल्डनेस का तड़का लगने वाला है। रागिनी MMS 2.2 ये सीरीज की तीसरी फिल्म है। पहली सीरीज में राजकुमार राव और कैनाज मोतीवाला नजर आए थे। इसके बाद रागिनी MMS 2 में सनी लियोन दिखी थी। रिलीज हुए टीजर में पहले रागिनी MMS का सीन दिखाया गया और फिर रागिनी MMS 2 का सीन भी दिखाया गया। फिर जाकर करिश्मा का बोल्ड अंदाज सामने आया है। ये टीजर 40 सेकंड का है। एक बात तो है, पोस्टर हो या टीजर, बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया सेन एक बार भी कहीं नजर नहीं आई। इस फिल्म में रिया सेन भी अहम भूमिका में है। रागिनी MMS Returns का ट्रेलर दर्शकों के लिए 14 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इन दिनों कटरीना कैफ के साथ अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए अबू धाबी गए हुए हैं। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई सलमान की फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है। फिल्म के इस दूसरे पार्ट में सलमान हाई ऑक्टेन स्टंट्स और एक्शन करते नजर आएंगे। सलमान खान और कटरीना कैफ अभिनीत फिल्म टाइगर जिंदा है को रिलीज होने में बस कुछ ही महीने बचे हैं। फिल्म की शूटिंग की एक नई तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई है, जिसमें सलमान कार्गो पैंट और ग्रे रंग की टी शर्ट पहने हुए और चेहरे पर चोट के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर साफ बयान करती है कि टाइगर को अब दर्द नहीं होता है। सलमान इस फिल्म के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिससे फिल्म देखने के बाद दर्शक उनकी एक्टिंग और एक्शन की तारीफ करें। सलमान की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और उनके माथे से खून बह रहा है। साथ ही उनकी टी शर्ट पर भी काफी खून लगा है। अब ये साफ है कि सलमान काफी एक्शन कर रहे हैं। ये फिल्म अपने पिछले पार्ट से काफी बड़े पैमाने पर बड़ी साबित होने वाली है। ये फिल्म उस सीन से शुरू होगी जहां पर एक था टाइगर फिल्म खत्म हुई थी। इस फिल्म में ढेर सारे एक्शन के साथ रोमांस का तड़का भी देखने को मिलेगा। सलमान और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना 5 साल बाद बड़े स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। पहलाज नीलानी जब सेंसर बोर्ड के प्रमुख बने, तब से अपने साथ विवादों का पिटारा लेकर आए और जब बोर्ड से हटाए गए उसके बाद भी अपनी बातों को लेकर विवादों में छाए रहे कि मैं इस फिल्म के साथ इसकी कहानी को लेकर जुड़ा हूं, लेकिन इस बार मामला उनकी फिल्म जूली 2 का है, जिसे सेंसर बोर्ड ने बिना किसी काट छांट के ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये फिल्म बोल्ड सीन से भरपूर है, लेकिन नए चीफ प्रसून जोशी ने ए सर्टिफिकेट देकर इसे पास कर दिया है। खबर है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में एक भी कट लगाने की जरूरत नहीं समझी है। पहलाज नीलानी फिल्म जूली 2 के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अपनी फिल्म के बारे में उनका कहना है कि उनकी फिल्म इज अ कंप्लीटली एडल्ट फैमिली फिल्म और इसमें किसी तरह की कोई फोहड़ता नहीं है और इस फिल्म को 6 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। इंडस्ट्री से पिछले एक दशक से ऋतिक रोशन का परिवार जुड़ा है। ऋतिक से पहले उनके पापा राकेश रोशन अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उनके चाचा राजेश रोशन एक जाने माने संगीतकार हैं। लेकिन इस बीच हम में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि ऋतिक की एक बड़ी बहन है, जो फिल्मों के पीछे अपने पापा और भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि राकेश रोशन की लाडली बेटी सुनैना रोशन है। सुनैना की अब तक 2 शादियां हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी मात दी थी, लेकिन अब सुनैना ने जो किया है उसे देखकर ऋतिक रोशन का सीना फैल गया है। बता दें, सुनैना ने पिछले कुछ सालों में अपने वजन पर ध्यान नहीं दिया और अचानक उनका वजन काफी बढ़ गया था। अब उन्होंने अपने इस बढ़ते हुए वजन से निजात पा ली है। उनका ये फिट टू फैब का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर खुद भाई ऋतिक रोशन थोड़े सरप्राइज हुए।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया से एक तस्वीर को शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी बहन को इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बधाई दी है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।